साक्षी मंगाई। उत्तराखंड में जल विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। राजनीतिक दलों ने इसके लिए तैयारी तेज कर दी है। चुनाव में उतरने के लिए कई दावेदार भी कमर कसे हुए हैं। वहीं असल परीक्षा मौजूदा विधायकों की है। विधायक अपने कार्यकाल के दौरान क्षेत्र में कितने खरे उतरे हैं, इसके धरातल पर पड़ताल करने के लिए देवभूमि इनसाइडर की टीम हर विधानसभा क्षेत्र में पहुंच रही है। हम जनता के हवाले से प्रत्येक क्षेत्र के विधायक का रिपोर्ट कार्ड पेश कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र की। इस सीट के विधायक भारतीय जनता पार्टी से मुन्नी शाह हैं। अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित है। यह क्षेत्र वर्ष 2008 परिसीमन आदेश के बाद अस्तित्व में आया। इस सीट के पहले चुनाव का बिगुल वर्ष 2012 में बजा। 2012 की पहले विधानसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉक्टर जीतराम ने इस सीट पर जीत हासिल की। मात्र 643 वोटों के अंतर से भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ रहे मगन लाल को शिकस्त का सामना करना पड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ओर से मगन लाल चौहान ने डॉक्टर जीत राम को 4921 वोटों से मात दी, लेकिन चुनाव जीतने के एक साल के भीतर ही मगन लाल शाह का निधन हो गया। इसके बाद हुए उपचुनाव में मगन लाल शाह की पत्नी मुन्नी देवी को भाजपा ने टिकट दिया। मुन्नी देवी चुनाव जीत गई और क्षेत्र की मौजूदा विधायक है। मतदाता क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या 90,457 है। विकास के दावों की हकीकत। विधायक मुन्नी देवी के कार्यकाल से जनता ज्यादा संतुष्ट नहीं है। जनता का कहना है कि विधायक के कार्यकाल में विकास कार्यों की रफ्तार धीमी हो गई है। विधायक ने क्षेत्र में स्ट्रीट लाइट लगाने का वादा किया था, जो अभी धरातल पर नहीं उतरा है। क्षेत्र में शौचालय बनाए जाने थे, सड़कों का निर्माण होना था, जो नहीं हुआ। पेयजल की सुविधा में भी सुधार नहीं हुआ है। स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं की हालत बदतर है। क्षेत्र में कई स्थानों पर झूला पुल बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन एक का भी निर्माण नहीं हुआ। क्षेत्र की समस्याएं, स्ट्रीट लाइट्स का अभाव, सार्वजनिक शौचालयों का अभाव, पेयजल सुविधा का हाल बेहाल, अस्पतालों में डॉक्टर का अभाव, स्कूलों संस्थानों में स्टाफ का अभाव, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का अभाव। ये पब्लिक है, ये सब जानती है। हमारे संवाददाता ने क्षेत्र के कई हिस्सों में जाकर स्थानीय लोगों से विधायक मुन्नी शाह के कार्यकाल के बारे में जानकारी ली। आप भी सुनिए क्या कहना है जनता का अपने चुने हुए विधायक को लेकर। खत्म हो गया, फिर महंगाई देखो तुम चरम सीमा पे है। आप लोग भी तो जानते हैं कि भाई महंगाई देखो तुम डीजल से लेकर पेट्रोल से लेकर, तो ये किसान की मेन चीज है। तो ये इतनी महंगी है, हमारा जैसे मान लीजिए कोई चीज़ बेचते हैं लोग, तो दाल या पास्ता या ब्रॉड कोई भी चीज़ बेचते हैं, उसका इनको लोगों को रेट नहीं मिलता। तो सरकार की तरफ से तो भाई देखो तुम ब्लैक में तुम चावल खरीदो 300-350 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा तुमको, तेल तुमको 200 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगा। 2022 चुनाव का आप देखेंगे, हम किस पार्टी का रुझान देखेंगे और जिसका अच्छा काम होगा, अच्छा नाम होगा, उसको हम सपोर्ट करेंगे। अस्पतालों में तो दवाइयाँ तो मिलती नहीं है। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ क्या है, फिर वो आजकल ये अंशकालिक क्या बोलते हैं उनके वो रखे हैं टीचर्स, बाकी तो परमानेंट कोई है नहीं। बाकी कुछ क्षेत्र में कुछ हमको कुछ विकास दिखता नहीं है। तो सर क्या विधानसभा क्षेत्र विधायक जी का नाम मुन्नी देवी साहब, सर इनके जनसंपर्क की हम बात करते हैं, जनता के बीच में आती है, लोगों से मिलते जुलते हैं? वैसे तो आती नहीं सर, केवल फूल लेना आई थी, उसके बाद तो हमने देखा नहीं कभी, विशेषकर हमारे क्षेत्र में तलवाड़ी क्षेत्र की। देख सकते हो समस्या है दुनिया भर की, बाजार में दुनिया भर की समस्या है, शौचालय हमारे बाजार में है नहीं, व्यापारी कहाँ जाएगा? फर्स्ट तो ये है कि व्यापारी कहाँ जाएगा शौचालय? सर अस्पतालों की अस्पताल हॉस्पिटल 10 बेडों का यहाँ पे खुला है, तो एक भी एक डॉक्टर साहब हैं, बाकी तो कोई सुविधा है यहाँ पे? कुछ सुविधा ना यहाँ पे, कोई फिजिशियन है ना कुछ है। साथ तो नहीं होगा, वो मोदी जी का साथ जरूर होगा। विधायक के साथ तो मुश्किल है, पर मोदी जी का साथ जरूर होगा, क्यों मोदी जी देश को संभाल रहे हैं।
आज की डेट में इंडिया का नाम जो चल रहा है वर्ल्ड में, वो मोदी जी के चक्कर में चल ही रहा है। तो मोदी के साथ तो सब है, पर विधायक या उत्तराखंड सरकार के साथ कोई नहीं है तकरीबन। हम आपको यही बोल रहे हैं, जजमेंट हम भी वही चल रहे हैं, पब्लिक के सामने वही है। यहाँ श्रीमती मुनी देवी शाह है सर, इनके जनसंपर्क की हम बात करते हैं कि जनता के बीच में आती हैं, लोगों से मिलती हैं। अब ये जनता के बीच में तो कहाँ है, बड़ी मुश्किल से ही बात दी है मैंने, और बाकी नहीं तो ये तो कहीं दिखाई नहीं दी सर। अपने काज में या फार्मासिस्ट हैं वही खुद खर्चा कर रहे हैं इस टाइम पे, या लोकल जो भी हैं यहाँ पे लोग वही इसमें खर्चा कर रहे हैं। और माननीय मुन्नी देवी शाह जो की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं कि हमने 11,000 किलोमीटर पिंडर घाटी में सड़कें बनाई है, या अन्य डिग्री कॉलेज नाड़बगड़ा में खोला है जिसमें कि बहुत बुरे हाल हैं, एक टीचर तक नहीं है नाड़बगड़ा में। तो आप पर्सनली, एक डिग्री कॉलेज हमारे क्षेत्र में पहले से यहाँ पे तलवाड़ी में रहा है, 2000 के से पहले बना हुआ है, लेकिन हमारी उनसे मांग है आप जो नए कॉलेज खोल रहे हैं तो कम से कम जो पुराने कॉलेज हैं इसी को जरा विकसित करके इसमें टीचर की नियुक्ति करके, परमानेंट जो टीचर होते हैं, गेस्ट टीचरों के भरोसे कॉलेज नहीं चल पाता, जिसमें आम लड़कों का या जो हमारे यहाँ बच्चे पढ़ते हैं सबका भविष्य एक हिसाब से चौपट हो रहा है। फिर जब विधायक मुन्नी देवी के कार्यकाल को लेकर विपक्ष लगातार सवाल उठाता रहा है, विधायक के विकास कार्यों को लेकर की जा रही कोशिशें धरातल पर उतरती नहीं दिख रही हैं। पूर्व विधायक जीतराम आर्य क्षेत्र में सक्रिय हैं और लगातार विधायक मुन्नी देवी पर निशाना साधते रहते हैं। सड़क निर्माण से लेकर झूला पुलों का निर्माण हो या फिर खराब स्वास्थ्य सेवाएं हो, जीतराम आवाज बुलंद किए हुए हैं। क्षेत्र में आम आदमी पार्टी की उपस्थिति है, लेकिन लोगों का कहना है कि मुख्य मुकाबला भाजपा और कांग्रेस में ही होगा। थराली विधानसभा जन सर्वेक्षण के आधार पर विधायक मुन्नी शाह का रिपोर्ट कार्ड असल कहानी कह रहा है। जन लोकप्रियता सी, जन विकास कार्य सी, जन संवाद सी, जन नेतृत्व सी, ओवरऑल ग्रेड सी। बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए देवभूमि इनसाइडर।